दैनिक साथी के न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात शहर के सेक्टर 12 में 9 साल पहले शिलान्यास हो चुके नए बस स्टैंड की। जी हां, शहर के सेक्टर 12 में 9 साल पहले शिलान्यास हो चुके नए बस स्टैंड के लिए एक कदम और बड़ा है। पिछले एक साल से भी फाइनल ड्राइंग पर अटकी फाइल अब आगे बढ़ गई है। कई बदलावों के बाद चीफ आर्किटेक्ट कार्यालय की तरफ से फाइनल ड्राइंग तैयार कर इसे रोडवेज को भेज दिया गया है। अब जॉइंट सर्वे सहित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। 51 साल पहले बना था पुराना स्टैंड। सेक्टर 12 में बनने वाले शहर के नए बस स्टैंड के लिए जिलावासियों को कई सालों से इंतजार है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सर्कुलर रोड स्थित बस स्टैंड 51 साल पुराना हो चुका है और इसका कुछ हिस्सा कंडम होने की वजह से गिराया भी जा चुका है। इसके कारण अब नए बस स्टैंड का निर्माण होना जरूरी है। वहीं तमाम बसों को सर्कुलर रोड से होकर आने की वजह से शहर में बसों की वजह से भी जाम लगता है। ऐसे में फरवरी 2020 में इससे संबंधित तमाम विचाराधीन केसों का निस्तारण होने के बाद जल्द तैयार होने की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रोडवेज की तरफ से पीडब्ल्यूडी के माध्यम चीफ आर्किटेक्ट कार्यालय को ड्राइंग का पत्र भेज दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें रोडवेज की तरफ से कुछ बदलाव कर दिया गया। शुरुआत में नए बस स्टैंड पर वर्कशॉप सहित अन्य निर्माण ड्राइंग में शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में यह भी शामिल कर दिए गए। तत्पश्चात चीफ आर्किटेक्ट कार्यालय की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आ गए। उनको क्लियर होने में 2021 का पूरा साल बीत गया। इसी बीच अब रोडवेज की तरफ से लगभग एक साल से तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया गया था, लेकिन फाइनल ड्राइंग तैयार नहीं हो पा रही थी। अब चीफ आर्किटेक्ट कार्यालय की तरफ से फाइनल ड्राइंग तैयार कर दी गई है। हालांकि इस पर फाइनल मोहर रोडवेज मुख्यालय को ही लगानी है। तत्पश्चात रोडवेज और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का ज्वाइंट सर्वे होगा और ड्राइंग के अनुसार डीपीआर तैयार की जाएगी। अवार्ड ऑनलाइन शिफ्टिंग का भी समय पूरा। रोडवेज की तरफ से मामले में प्रक्रियाओं को तेजी से किया जा रहा है, जिसके लिए पिछले साल ही डीआरओ कार्यालय में स्ट्रक्चर अवार्ड के साथ लाइन शिफ्टिंग का बजट भेज दिया गया था। दोनों की राशि 91 लाख रुपए थी। इसमें 6 लाख रुपए के लगभग अवार्ड राशि थी और शेष राशि लाइन शिफ्टिंग पर खर्च हुई है। लाइन शिफ्टिंग का भी काम पूरा हो चुका है, शेष काम जल्द किए जाएंगे पूरे। शहर के सेक्टर 12 में प्रस्तावित नए बस स्टैंड की फाइनल ड्राइंग तैयार हो गई है। इसे चीफ आर्किटेक्ट की तरफ से रोडवेज मुख्यालय को भिजवा दिया गया है। अब ज्वाइंट सर्वे के बाद इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर डीपीआर तैयार किए जाएंगे। हमारे स्तर पर किसी भी तरह की देरी नहीं हुई थी। कुछ खामियां थी जिनको रोडवेज की तरफ से ही दूर किया जाना था। अब शेष काम जल्द पूरा करने का प्रयास है, ये कहना है कार्यकारी अभियंता आदित्य देशवाल का। 20 एकड़ में बना है बस स्टैंड। बस स्टैंड के लिए एचएसपीपी ने वर्ष 2011 में 20 एकड़ 1 कनाल 6 मरला जमीन का अधिग्रहण किया था। इसी बीच प्राधिकरण की तरफ से किए गए अधिग्रहण को लेकर कई परिवार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। फरवरी 2020 में इससे संबंधित तमाम याचिकाओं का निपटारा हो गया। इसके बाद म्यूटेशन भी रोडवेज के नाम हो चुकी है।